भोगपुरा चौराहे पर फैल रहे पानी से सड़क कटती जा रही है। सड़क में लगभग 6 से 7 इंच का गड्ढा हो गया है। इससे राहगीर परेशान है। भोगपुरा चौराहे पर लगातार पानी फैल रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोगपुरा चौराहे पर रुक रुक का जाम लगता रहता है। इससे कभी कभी तो कई पुलिस वालों को जाम खुलवाना पड़ता है। भोगपुरा चौराहे पर वन वे कर दिया गया, लेकिन फिर भी लोग बड़े वाहन लेकर जाने से बाज नहीं आते। इससे जाम के हालात बन जाते हैं। एकाएक कांग्रेस फतेहपुर सीकरी में मजबूत होकर उभरी है। इससे सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए हैं। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के समर्थक चाहते हैं कि सीमा उपाध्याय चुनाव लड़े, हालांकि इस मामले पर उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। राजबर ने आगरा में बीएसपी को तगड़ा झटका दिया है। बीएसपी के 3 कद्दावर पूर्व विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबर ने शानदार एंट्री की। उन्होंने 4 विधायकों को एक साथ जोड़कर मजबूती से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। आगरा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल नामांकन की तैयारी में जुटे हैं। 25 मार्च को प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल नामांकन दाखिल करेंगे। बाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के निवास पर भाजपा का दामन थामा, साथ ही एसपी सिंह बघेल के समर्थन में नारे लगाए। वादा किया कि बाल्मीकि समाज का एक एक बोर्ड प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मिलेगा। भाजपा वृक्षित कार्यालय पर वृक्षित अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने बसपा के 3 कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। सभी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। थाना हरिपर्वत घटिया आजम खां क्षेत्र में चोरों ने सस लाइसेंस की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया था। चोर बेसुराग हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चोरों का पता लगाने में जुटी है। जिस तरीके से चोरों ने हथियारों की चोरी की है, उससे पुलिस की बेचैनी बढ़ी हुई है। पुलिस इस बात को लेकर बेचैन है। चोरों ने हथियारों को नक्सली या फिर आतंकियों तक तो नहीं पहुँचा दिया है। थाना हरिपर्वत घटिया आजम खां क्षेत्र से चोरों ने सस लाइसेंस की दुकान से हथियारों को चोरी कर लिया था। पुलिस इसी बात को लेकर बेहद परेशान है। आखिर हथियार गए कहां? माले परिवार ने होटल अमर में संस्था का एनुअल डे धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में संस्था जुड़े कई प्रबुद्धजन और संस्था के आर्थिक सहयोग से पढ़ रहे स्टूडेंट शामिल हुए। कमलानगर शालीमार एन्क्लेव के श्री 1008 पार्षद दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा 48 दिवसीय श्री 1008 भक्तांबर पाठ शनिवार को समाप्त हो गया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस विधान में हर दिन शहरभर से सैकड़ों भक्त शामिल हुए। सिंधी शक्ति संगठन द्वारा तहसील चौराहे के पास अमर शहीद हेमू कालानी का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सिंधी समाज के लोगों ने अमर शहीद हेमू कालानी को पुष्प अर्पित किए। अखिल भारतीय मातृभाषा महासभा के बैनर तले पचकियां के मातृभाषा सभागार में युवा मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से युवाओं ने भाग लिया।